गुड मॉर्निंग ये सरकार माहौल जबरदस्त शानदार कस्टम्स शुरू करेगा सर कस्टम्स ओके सर कस्टम्स एक्ट 1962 कस्टम्स एक्ट 1962 सर सबसे पहली बात प्रिजन ले लिया है कि हम पहली बार बात करें कस्टम्स के रिगार्डिंग कभी कोई बात नहीं करी कभी कोई ऑफिस में कोई काम नहीं किया और पहली बार ही सुना है नाम कस्टम का बेटा ओके चलिए सर अब बात शुरू करते हम और पूरी शिद्दत के साथ बात करते हैं कस्टम्स के बारे में जिस तरह से आपने जीएसटी पढ़ा बेटा सर जिस तरह से आपने जीएसटी फर्स्ट डे पढ़ा वो आपको आज भी याद है सर कस्टम्स भी वैसे ही याद रहेगा बस हम याद करेंगे नहीं याद हो जाना चाहिए क्लियर सर सुनना सबसे पहली बात ये कि आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ कस्टम कब लगता है कौन सी ट्रांजैक्शंस पे कस्टम्स लेवी होता है क्लियर ये सब बातें हमको शेयर करनी बच्चों ध्यान देना सबसे पहली बात कस्टम्स ड्यूटी इज लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या बोला सर कस्टम्स ड्यूटी इज लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओके अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है अगर आपने कोई भी किया है। नजर इधर मेरी तरफ तो नजर बेटा अभी बुक्स में ध्यान बिल्कुल भी नहीं सर अच्छा आज आपको बुक्स मिल गई है पर ये बुक्स काम नहीं आएगी आज बेटा ठीक है आज कॉन्सेप्ट में काम आएंगे सर समझो अगर नेक्स्ट वन एंड हाफ आवर आपने अगर ध्यान से सुन लिया बिलीव मी बिलीव मी सर फिफ्टी परसेंट कस्टम आपको आज ही आ जाएगा सर अगर आपने ध्यान से सुना तो ओके ध्यान दे बच्चा और यही वो चीजें हैं जो अगर आपने ध्यान से सुन लिया पढ़ लिया तो आगे आपका जो कस्टम टाइम लगना है वो बहुत कम लगेगा बच्चों ओके? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे काम के पॉइंट बेटा ये एंड डेफिनेटली कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू इन दी नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी डेप्थ मैनर और बहुत ही स्मूथ वे में आपका टॉपिक खत्म होंगे सर ओके okay, बच्चों सरकार सबसे पहली बात सर बहुत बेसिक्स पर हाँ बेसिक्स बहुत इजी होते हैं पर अगर बेसिक्स नहीं आपको क्लियर हुए यहां तक बेटा क्लियर तो आगे के टॉपिक बिल्कुल रटने पड़ते बेटा बेटा जो रटने उस रटने की की पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी उस आपके लिए कम है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों कितना याद करोगे सर याद हो ही नहीं पाएगा सर ध्यान देना बच्चों बहुत अच्छे से शिद्दत से प्यार मोहब्बत से हम पढ़ेंगे क्या आवाज कस्टम्स आइए सरकार शुरू करते हैं कस्टम सिटी सबसे पहली बात देखिए ध्यान से मंगेश भैया स्क्रीन स्क्रीन पे सर सर, कस्टम्स ड्यूटी जो लेवी होती है कस्टम्स ड्यूटी जो लेवी होती है बेटा ये कौन से ट्रांजेक्शन पे लेवी होती है बेटा क्लियर ऑन विच ट्रांजेक्शन कस्टम ड्यूटी इज लेविड क्लियर सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगता है क्लियर <coughs> अच्छा. कस्टम्स तो से आपको गुड्स को कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ता है वहां ड्यूटी पहले पे करना पड़ता है और उसके बाद गुड्स क्लियर होती है बेटा अच्छा सर ध्यान देना बेटा अभी जो बात वो एक के लिए, आपका करने के लिए बता रहा हूं

लगता है, of goods लगता है, सर, ने, में दो एक्ट बना रखे कस्टम्स टेरिफ एक्ट नाइनटीन सेवन बेटा कस्टम्स एक्ट में प्रोविजन दे रखेगी कब टैक्स होगा कब एक्शन मिलेगा कैसा होगा सब कुछ दे रखा है पर किस रेट से कस्टम लगेगा ये दे रखा कस्टम्स टैरिफ एक्ट में बेटा कस्टम्स टैरिफ एक्ट में दो शेड्यूल दे रखे बेटा कितना शेड्यूल शेड्यूल वन और वेरी गुड बेटा सर शेड्यूल वन एंड शेड्यूल टू शेड्यूल वन में दे रखा है क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम कितना लगेगा एंड शेड्यूल टू में क्लियर सर शेड्यूल वन में लिस्ट ऑफ गुड्स दे रखी है वो सारे गुड्स की लिस्ट जिसके इंपोर्ट पे कस्टम लगना और किस रेट से कस्टम लगना है बेटा क्लियर तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स देखना शेड्यूल टैरिफ एक्ट बेटा है अभी हमने बात किया कि कस्टम्स होता है बेटा कब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स चलो यार इम्पोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में गुड्स का पैसा बाहर जा रहा है उसके बारे में लॉजिक की बात करेंगे समझना बात, लगा यार? समझ बात से क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे का एक बेसिक लॉजिक की बात मैं कोई बुक की बात नहीं कर रहा पीछे सर यू टेल मी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगा कि नहीं करेगा सर तो प्रमोट करना तो क्या हैवी टैक्स लगा दे बेटा उस पे। नहीं। क्या करे टैक्स नहीं लगाना चाहिए बेटा इनफैक्ट आपने तो जीएसटी पढ़ लिया जीएसटी भी नहीं लगाया और यह कस्टम की बात आ रही सर लगना चाहिए क्या बेटा इसलिए नहीं लगता बेटा बस कुछ गुड्स को छोड़ के बेटा शेड्यूल टू में ओनली फ्यू गुड्स आर देयर बेटा क्लियर समझे मेरी बात क्यों सर यस yes, एसेंशियल हो सकती है देश के लिए बेटा हो सकता है गवर्नमेंट उन गुड्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करना चाहती बेटा हा है ना गवर्नमेंट चाहती है सर देश के अंदर यूज करो यार बाहर मत भेजो इनको देश में वैसे ही कम पड़ रहा है आप बाहर भेज रहे हो यार या और भी इंटरनेशनल रीजन हो सकते हैं इसके पीछे पर ओनली फ्यू गुड्स आर देयर ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ विच कस्टम्स इज चार्ज तो अब आप मुझे बताओ कस्टम्स का मेन रेवेन्यू क्या है बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा बेटा कस्टम का मेन रेवेन्यू yeah. तो सर जितने भी गवर्निंग प्रोविजन हम पढ़ने वाले सर, भी provisions है, पर मेन कस्टम का रेवेन्यू कौन सा इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्योंकि every goods के import के क्या लगता है बेटा कस्टम लाखों गुड्स है मालिक क्लियर अब सर मेरा फोकस कहा इंपोर्ट है

कस्टम्स ड्यूटी विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन टू इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है मान लिया बेटा अब क्वेश्चन आता है है क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता कस्टम तो क्यों लगता है सर आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ याद करो जैसे हमने जीएसटी सब शुरू किया था बेटा तब बात करी थी क्या दस का क्रेडिट क्यों मिला पल पल बेटा ये पॉइंट वैसे ही कस्टम चार्ज क्यों हुआ पल पल काम आएगा पूरा कस्टम्स एक्ट सर मेरी गारंटी लॉजिकल बना दूंगा मैं आपके लिए बेटा क्लियर समझना ध्यान से आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ तो टॉपिक क्या बेटा अपना नेक्स्ट आवाज रही होए ओके चलिए सर एक एग्जांपल लेते बेटा एक एग्जाम्पल हैं बेटा अच्छी राइटिंग लिखू या अच्छी, अच्छी लिखू बेटा राइटिंग मेरी जो बेकार वैसे नहीं लिखू बेटा नहीं मेरी बेकार मतलब वो। तुम तो ऐसा प्राउड से बोल रहे हो हाँ मतलब <coughs> राइटिंग मेरी अच्छी पर टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा यू नो ऐसा मेरे को लगता है कि यू you नो know? चलो सर यह है मान लो सर इंपोर्टेड गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स सुना सुना दो मिनट सुनना चल पहले मेरा इंडिया महान बाकी सब पहलवान क्लियर डोमेस्टिक गुड्स और इंपोर्टेड गुड्स मान लो बहुत अच्छा क्या बेटा मान किया बेटा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हम बुलबुल इसकी गुलसिता हमारा ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट। आइए मान लो कोई गुड्स इंडिया में मन रहा है बेटा क्लियर सर मान लो मार्कर नहीं इधर ये पेन आईफोन आईफोन नहीं रे बेकार है सर मान लो नहीं हर चीज बेकार जो आपको तोड़ दूंगा बेटा मैं सर <laughs> सर मान लो मान ये पेन या कोई भी गुड्स अगर आप इंडिया में बना रहे हो बेटा अगर कोई गुड्स आप इंडिया में बना रहे हो बच्चों और उसका ऑन एन एवरेज वैल्यू ऑफ गुड्स डोमेस्टिक गुड्स बेटा ना इंडिया में बनाया आपने आ रहा है कितना बेटा थाउजेंड रुपी बेटा अब सोचिए वही गुड्स अगर अमेरिका बना रहा है बेटा जापान बना रहा है बेटा जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल में प्रोडक्शन होता है साहब वेस्टेज कम होता है साहब टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेड है सर टेक्निकल सपोर्ट अच्छा मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बहुत जबरदस्त है सर वहां करप्शन कम है सर हा है ना अब आप मुझे बताओ सर इन सब की वजह से जो गुड्स अगर इंडिया में थाउजेंड में बन रहा है वही गुड्स अगर बाहर बनेगा उसकी कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी सर आप मुझे बताओ कम आएगी कि नहीं आएगी सर सर पंद्रह मिनट लगेंगे सर इस डिस्कशन में आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करना मेरे साथ बेटा क्लियर मैं कह रहा हूँ गारंटी से सर दिल से आवाज़ आएगी मजा आएगा सर क्लियर सर और मेरे को मजा तभी तो आएगा जब आपको मजा आएगा सर सर वही गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया सर कोई डेवलप्ड कंट्री बना रही बेटा डेफिनेटली वहां पे जो गुड्स बन रहा है सर उसका कॉस्ट कम आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ आप सर आवाज़ नहीं आ रही वही मान लो कितना है बेटा 800 चलो सर कितना है बेटा 800 जो गुड्स इंडिया में बन रहा कितने में सर वही गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया बना कितने में बेटा सोचिए जो गुड्स इंडिया में बन रहा है वही गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया से आ जाए कहां से आ जाए बेटा तिरथा वो मार्केट देना बेटा एक यहाँ पे भी एक और पड़ा उधर देख वहां पर हाँ ये रहा हाँ, यस 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 अब आया ना मजा <laughs> मान जान में जाना ही बेटा <coughs> हाँ मान लो मान ये गुड्स मैंने इंडिया तो में बनाया इसकी वैल्यू आ रही होनी चाहिए इंडिया में बनाया कितने में सर थाउजेंड में और यही गुड्स अगर अमेरिका से आ रहा है एट हंड्रेड में बेटा आप और हम कौन सा गुड्स खरीदेंगे बेटा स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ सर कुछ भी कर लो बेटा पर घर जाके आठ सौ वाला लेंगे बेटा हा है ना भाई क्लियर सेम गुड्स आ बेटा कितने मारा साहब एट हंड्रेड में हंड्रेड परसेंट मैं तो कर रहा हूं एट हंड्रेड छोड़ नाइन नाइनटी में तो भी हम यही लेते बेटा अरे क्लियर समझे मेरी बात अब सर हिंदुस्तान का हर आदमी अगर ये आठ सौ वाली गुड्स लेने लग गया हिंदुस्तान का हर आदमी अगर ये इंपोर्ट गुड्स लेने लग गया बेटा सर हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर को क्या होगा सर लॉस होगा बेटा लॉस कब तक बेयर करेंगे सर अल्टीमेटली फैक्ट्री बंद फैक्ट्री बंद तो अनएम्प्लॉयमेंट बेटा yeah. सर सोचिए इंडिया की सारी फैक्ट्रीज लगभग लग अगर लग लग बंद हो जाए बेटा हिंदुस्तान के लोगों का बिजनेस खत्म हो जाए बेटा बाहर के लोग आके बिजनेस करे बेटा हालत देखेगा हमारी क्या होगी साहब इंडिया के सर अगर सारी फैक्ट्रीज बंद अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट तो पॉवर्टी पॉवर्टी तो इरेडिकेशन बेटा अल्टीमेटली भूखे मरेंगे बेटा है हाँ ना अब आदमी पास ना एजुकेशन बेटा न काम न पैसा भूखा मर रहा है बेटा आखिर करेगा तो क्या करेगा बेटा सर अरे अपने लिए नहीं अपने बच्चे बच्चों के लिए क्या करेगा सर चोरी करेगा क्राइम करेगा बेटा है हाँ ना भाई पास ही गांव में चोरी करने गया जहां चोरी करने गया उसकी हालत उससे भी खराब थी बेटा सौ रुपये जेब में था वो तो भी देखे आ गया तेरे पास कोई बात नहीं सर साहब और उस पर लिख के नोट पे बेटा अगर तेरे को भी चोरी करने का देश की पूरी हालत ऐसी बेटा अल्टीमेटली आप चोरी करने जाओगे तो कहा जाओगे बेटा फिर बहुत रहे बेटा इंपोर्टेंट गुड्स वाले बेटा क्लियर आठ सौ आठ सौ रुपए में गुड्स सारा बेटा है ये अल्टीमेटली आप इंटरनेशनल चोर बन जाओगे धीरे धीरे आप और हम क्या बन जाएंगे बेटा टेररिस्ट क्राइम करेंगे बेटा और क्या करेंगे सर हाँ ना सर यहां कोई सीए क्लास नहीं चलेगी बेटा मंगल टेरर क्लासेस डाकू मंगल सिंह आ रहा है बम कैसे बनाना है कैसे शूटिंग करनी है हाँ ना सर सोचिए आप सर देश की पूरी हालत अगर ऐसी हो जाएगी तो क्या होगा मामला गड़बड़ बेटा क्लियर पूरे वर्ल्ड में तबाही तो हो जाएगी बेटा है हाँ ना जब इंडिया के लोग इतना कमाने के बाद भी थी थी भाई बचा लेते बेटा पीछे देखो आप तो सर सोचिए आप हम आतंकवादी बन गए तो क्या होगा बेटा इसलिए इसलिए हम सबने क्या किया बेटा स्ट्राइक कर दी कैंडल मार्च कर दिया बेटा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा साहब अन्ना हम तुम्हारे साथ है तुम भूखे रहो हम मस्त रहे हम तुम्हारे साथ है। अंशन के हैं बेटा हम लोग तो मोदी जी से बात करी समझना बात को ध्यान से प्लीज सर एक्ट बन रहा है इंटर्न बन रही है सर, सर हमने गवर्नमेंट से बात करी साहब स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ हमने मोदी जी से बात करी साहब इंपोर्ट बंद करो साहब इंपोर्ट बैन कर दो आप मुझे बताओ अगर हमने इंपोर्ट बैन कर दिया इंपोर्ट बंद कर दिया तो क्या हमारा गुड्स को एक्सपोर्ट हो पाएगा बेटा इंटरनेशनल मार्केट से हम आउट बेटा ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में ओपन एक इकोनॉमी क्या हो जाएगी बेटा क्लोज इकोनॉमी? ग्लोबलाइजेशन खत्म बेटा क्लियर समझे मेरी बात बच्चों सर विच इज नॉट द करेक्ट वे बेटा देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा बच्चों तो सर इम्पोर्ट मोदी जी बोला मित्रो इम्पोर्ट तो बंद ना हो पाएगा बोला ठीक है हम बन जाते टेररिस्ट बेटा मोदी जी बोला हिसाब बन के दिखाओ योगी जी आ रहे पीछे सर साहब हमने कहा नहीं नहीं सर रास्ता बताइए हमको क्या करें अब हम। तो हमने बोला दूसरा ऑप्शन बोल गवर्नमेंट का दूसरा ऑप्शन बता फर्स्ट तो तेरे पास है ही नहीं बेटा सर दूसरा ऑप्शन हमने कहा एक काम करो हमको भी 200 200 की सब्सिडी दे दो साहब <coughs> दो सौ क्या दे दो साहब सब्सिडी गवर्नमेंट वाला सब्सिडी कहां से देंगे भाई अभी तो तुमसे टैक्स हम लेंगे अभी तो और <laughs> क्लियर ऑब्वियसली तुम्हारी क्वेश्चन जता रही हम क्या करें यार इसके अंदर क्लियर एंड सर धीरे धीरे देश का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे क्वेश्चन कम होगी पर अभी तो नहीं हो पाएगी एकदम दो सौ की सब्सिडी तो ही जाओ आप क्या करे बेटा अब सर इंपोर्ट बंद कर नहीं सकते सब्सिडी दे नहीं सकते करे तो क्या करे सर सर इसलिए आया क्या कस्टम्स ड्यूटी क्या है बेटा तो सर हमने बोला एक काम करो उस इंपोर्ट की कोस्ट उस इंपोर्ट की कॉस्ट को क्या कर दो साहब बढ़ा दो सो देट साहब हम सेफ हो जाए बच्चों तो सर गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट करी देखना ध्यान से बेटा कि सर कस्टम लगा दो कितना बेटा थ्री हंड्रेड बेटा अगर थ्री हंड्रेड कस्टम लग गया तो इंपोर्ट गुड्स कितने में हो तो जाएगा बेटा इलेवन हंड्रेड डोमेस्टिक अमेरिका को पता पड़ गई कि हिंदुस्तान ने हमारी गुड्स पर अननेसेसरी है सो देट हमारी गुड्स वहां पर एंटर नहीं कर पाए तो वो क्या करेगा सर वो तो बैन कर देगा साहब वो ही बोल देगा साहब हिंदुस्तान से कोई कुछ जापान ही नहीं बेटा यही बात अगर जापान यही बात इटली यही बात चाइना हर कंट्री में हो जाए सर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद बेटा तो सर तीन सौ लगा नहीं सकते बेटा तो क्या करे बेटा सो लगा दे बेटा सो अगर लगा दे तो हम अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे बेटा टेररिस्ट क्यों ये नौ सौ में ये नौ सौ में आएगा हमारा थाउजेंड में कौन खरीदेगा बेटा हमसे हाँ है ना तो आप बताओ कितना कस्टम लेना चाहिए बेटा आवाज आ रही हो पक्का तो कस्टम चार्ज क्यों हुआ सर कस्टम चार्ज क्यों टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ इंपोर्ट को बंद करने के लिए नहीं इंपोर्ट को कम करने के लिए नहीं इंपोर्ट को महंगा करने के लिए नहीं सर कस्टम चार्ज क्यों हुआ टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ और हा है ना सर कितना कस्टम लगना चाहिए इस केस में किसने बताया मुझे बताओ आप आपने बताया <coughs> अच्छा आइडियली सही लग रहा है लग रहा है बेटा ये <coughs> अच्छा सर मैं एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सर एकदम फिगर्स लेके चिपक मत जाना बेटा क्लियर समझा मेरी बात सर ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि मोटा मोटी गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी क्या है बिहाइंड चार्जिंग द कस्टम ड्यूटी बेटा हाउ मच कस्टम शुड बी चार्ज बेटा देखो सर आज इंडिया के लोग जो यहां रह रहे बेटा आज रोड किसने बनाई बेटा

सर राजा महाराज के टाइम पे बेटा राजा अपनी प्रजा से क्या लेता था बेटा लगान और बाहर के स्टेट से अगर हमारे स्टेट में आगे कोई गुड्स रहा होता था तो राजा उससे भी एक पोर्शन ऑफ रेवेन्यू लेता दैट्स वॉट इज कॉल्ड कस्टम्स इन दी कर बेटा और क्या पर कितना ले मारो बार सारा उसको से लूट लो ऐसा कितना कितना लॉजिक हम पढ़ रहे बेटा वो लॉजिक हम पढ़ रहे है हाँ ना भाई तो कस्टम चार्ज क्यों जल्दी yes, हाँ yes, गुड्स कस्टम चार्ज हो गया टू हंड्रेड अब मुझे बताओ सर हमारी गुड्स भी कितनी बेटा थाउजेंड उनकी भी कितनी बेटा थाउजेंड सर बराबर बेटा स्ट्राइक वही पे खत्म और सर हम सब लोग अपने अपने घर और बोला क्या आ देखे जरा कितना किसमें कितना है दम है हाँ ना भाई अरे क्लियर डन अब सर जैसे ही फैक्ट्री पहुंचे जैसे ही फैक्ट्री पहुंचे जैसे ही गुड्स बेचा सर गुड्स बेचा क्या लग गया बेटा सॉरी हाँ नहीं एक सौ बेटा सर क्या लग गया बेटा जीएसटी है अब अब कौन सा गुड्स खरीदोगे बेटा आवाज नहीं आ रही होए क्योंकि जीएसटी लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पे और इंटर स्टेट सप्लाई पे बेटा ये तो इंटरनेशनल सप्लाई है हा है ना अब कौन सा गुड्स खरीदेंगे मालिक इंपोर्टेड बेटा हा है ना इस बार तो हम तलवार लेके पहुंच गए नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये कैंडल मार्च से तो हमको मूर्ख बनाया है बेटा एक कॉल करके हमारे गुड्स पर टैक्स लगा दिया और इंपोर्ट गुड्स पर टैक्स नहीं लगाया सर गलत हो रहा ना यार तो यार बेटा आवाज इसलिए गवर्नमेंट केम आउट सॉल्यूशन ऑफ

इनफेक्ट नाम भी आई लिखता है बेटा, में लिखा भी भी जाता जाता है, जाता भी किसको है? किसको के वो सजाएगा बचाइए रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा इंडिया में तो आईजीएसटी कितना बेटा एटीन कितना होता है बेटा अब कौन सा परचेज करोगे बेटा आ देखिए जरा किसमें कितना है दम क्लियर ओके okay, माहौल जबरदस्त शानदार बेटा पर सर जैसे ही गुड्स इंडिया में बेचा जीएसटी तो लगा ही दिया बेटा साथ में वो गुड्स ऐसी थी जिसपे जीएसटी कंपनसेशन है सेस भी लगता है बेटा मान लो टेन परसेंट मान लो जैसे पिता ना आप सिगरेट वगैरह बेटा सर कितना बेटा टेन परसेंट किस पे ध्यान देना बेटा जीएसटी कंपनसेशन भी इस पे लगेगा बेटा जीएसटी कंपन में भी वैल्यू वही होता है जो जीएसटी पर्पस के लिए वैल्यू होता है बेटा और जीएसटी पर्पस के लिए वैल्यू इंक्लूड ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस ज्यादा है बेटा आपको क्लियर तो जीएसटी कंपन भी थाउजेंड पे लगेगा बच्चों हाँ ना भाई कितना हो गया रे अब कौन सा खरीदेंगे बेटा इसीलिए सर यहाँ पे क्या लगाया बेटा थ्री नाइन क्या लगाया बेटा थ्री नाइन एडिशनल ड्यूटी क्या सर एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर थ्री नाइन ऑफ दी कस्टम टैरिफ एक्ट कितना बेटा जिसको बोलेंगे क्या जीएसटी स कितना बच्चों इंडिया में टेन परसेंट था ये भी टेन कितना टेन परसेंट किसका बेटा वही थाउजेंड का, का बच्चों कितना होता मालिक हंड्रेड टोटल कितना हो गया बेटा अब बोलो कौन सा खरीदोगे बेटा आ जरा किसमें कितना है दम और सर ये हो गया क्या कस्टम खत्म सर कस्टम चार्ज क्यों है ध्यान जल्दी बोलो सर समझा मेरी बात

क्लियर बाकी पे फर्स्ट क्लियर लेटर क्या सर यही सिस्टम पूरे कस्टम बेटा हा है ना मालिक आवाज यहाँ और जब कस्टम पे करोगे तभी क्या पे करना आपको थ्री सेवन और थ्री नाइन आई जी एस टी और जीएसटी से बच्चों क्लियर पक्का बच्चों अरे हा है ना मालिक डन सर पक्का अच्छा एक बात और बेटा कस्टम ड्यूटी के साथ साथ क्या बोला सर एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगता है बेटा क्या लगता है बेटा एक फंड गवर्नमेंट अलग से कलेक्ट करी बेटा सो so देश के सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए वो फंड काम आ पाए बच्चे क्लियर एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए एक फंड तैयार करिए बेटा नाम क्या बेटा दैट सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज चार्ज ऑन कस्टम ड्यूटी बेटा किस किसपे लगता है बेटा वो बट थ्री सेवन थ्री नाइन पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता हा हाँ भाई इसलिए मैंने थोड़ा सा दे रखा बेटा क्लियर सर इसलिए या थोड़ा सा चेंज बच्चों ठीक है इतनी देर पहले अगर सोशल वेलफेयर बताता तो मिक्स होती आपके लिए ओके भाई तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया मान लो, कस्टम कितना बेटा मान टेन परसेंट ऑफ ड्यूटी बेटा टेन परसेंट ऑफ अभी ड्यूटी कितना बेटा इसमें टेन परसेंट कितना बच्चा पॉइंट टू को मैं इग्नोर कर रहा हूं बच्चों क्लियर ठीक कितना हो गया बच्चा ताकि आपके फिगर चेंज नहीं हो गया पहले बेटा क्लियर समझे मेरी बात ओके okay. तो सर अल्टीमेटली कस्टम चार्ज को जल्दी बताना बेटा एक बार कस्टम चार्ज क्यों आ रहे होशारी इंपोर्टेंट गुड्स ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ ओके okay. एक मिनट आप ध्यान से देखिए बेटा यहां टोटल कस्टम कस्टमडी कितना लग गया बेटा इंक्लूडिंग थ्री सेवन थ्री नाइन 4280 बेटा क्या 480 बेटा 480 हां हां कोई बात नहीं सर 480 बेटा क्लियर yes, ये हो गया क्या टोटल कस्टम कस्टमरिटी का अमाउंट बेटा आवाज आ रही है इंक्लूडिंग 3739 बच्चों हाँ है ना भाई एक मिनट अब इंडिया में आपने जीएसटी लगाया इंडिया में आपने जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया और मान लो आपने तंबाकू खरीदा और सिगरेट बेचा बेटा आ गया होता ना बेटा सिगरेट किससे बनती बेटा पता ही है बेटा आपको तो खेर? क्लियर सर नहीं पता बेटा झूठ बोल रहे पीछे जिसमें फिल्टर नहीं लगता बेटा उसको बोलते क्या बीड़ी बेटा सर हाँ अभी समझ में पी तू कभी बेटा नहीं पीना भी नहीं कभी बेटा ठीक है ना सर कभी नहीं पीना चाहिए बेटा आपने को खाना चाहिए

कि मान लो अब इंडिया में आपने को खरीदा सिगरेट बनाई सिगरेट बनाने पर जीएसटी भी लगेगा और जीएसटी कंपनसेशन सेस भी है तो आपने जो जीएसटी पे किया उसका आपने क्या ले लिया बेटा आईटीसी अब जीएसटी का आईटीसी लिया ले 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 कितना बेटा वन का और जो जीएसटी कंपनसेशन से बेटा क्लियर आपके सेल पे भी जीएसटी कंपनसेशन से लग रहा है परचेस आपने जीएसटी कंपनसेशन सेस पे किया क्या मिल जाएगा बेटा आपको आईटीसी बेटा क्लियर तो अल्टीमेटली अगर आपने वन और हंड्रेड जो जीएसटी पे किए थे बेटा आपने उसका अल्टीमेटली तो आपकी कोस्ट नहीं है तो अल्टीमेटली आपकी कोस्ट नहीं आगे बेटा और वही इंपोर्टेड गुड्स की कोस्ट कितनी है बेटा वन टू एट जीरो अगर ये बात अमेरिका को पता पड़ गई बेटा की टू इक्वलाइज 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 करते करते मोदी तो बना गया हा है ना भाई सर तो ऐसे भाई गलत हो जाएगा ना तो यार यार तो इंटरनेशनल मार्केट में मामला गलत हो जाएगा बेटा क्लियर तो आप मुझे बताओ ये जो कस्टम चार्ज हुआ है इसका भी क्रेडिट मिलना चाहिए मिलना चाहिए इंडियन टैक्सेस का क्रेडिट मिल रहा है तो कस्टम का भी क्रेडिट मिलना चाहिए मिलना चाहिए अब अगर पूरे फोर का क्रेडिट मिल गया बेटा तो कोच कितनी आएगी बेटा एट बेटा हम तो अल्टीमेटली कोई करने वाले नहीं बेटा डायरेक्ट टेरिस्ट बेटा डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना बेटा आपने तो सिल अरे हाँ है ना भाई क्लियर सर इसलिए गवर्नमेंट बोला क्या चिंता ना करे बेटा क्या बोला सर चिंता ना ये पूरा कस्टम जो है ना बेटा दिमाग खराब नहीं मिलता है बेटा पर हां जो आपने आई जीएसटी पे किया जीएसटी कंपनसेशन पे किया ये क्या है बेटा ये जीएसटी तो है तो जो जीएसटी ट्रीटमेंट होगा वो इनका भी हो जाएगा बच्चों सिंस इस मेरे एग्जाम्पल में सर आपको आई मिला किसका बेटा जीएसटी का मिला तो जीएसटी जो थ्री सेवन आपने पे किया बेटा उसका भी क्या मिल जाएगा बेटा आई <coughs> कितना बेटा वन और जी कंपनसेशन सेस जो आपने पे किया बेटा थ्री नाइन क्लियर सेस को अच्छे से लिखोगे बेटा ये नहीं पता नहीं बेटा क्या लिखा बेटा मैंने जिंदगी में अब समझ मारा बेटा आपको गुड कितना बेटा हंड्रेड तो सर इन दोनों का सिंस डोमेस्टिक मार्केट में इन टैक्सेस का क्रेडिट मिल रहा ये भी वही तो टैक्स है बेटा क्लियर इनका भी क्या मिल जाएगा मालिक क्रेडिट तो अल्टीमेटली आपकी कोर्स बच्चा? अब बताओ कौन सा कुछ परचेस करेंगे बेटा अरे कौन सा कुछ परचेस करेंगे सर आ देखे जरा किसमें कितना है दम क्लियर डन तो अब मुझे बताओ कस्टम चार्ज क्यों हुआ और मैं आपसे बता रहा हूं पूरा कस्टम्स पढ़ते वक्त ए से लेकर जेड तक पूरा कस्टम पढ़ते वक्त आपके बैक ऑफ आप द माइंड में क्या होना चाहिए बेटा? कस्टम चार्ज क्यों हुआ क्लियर अगर आपसे कोई भी पर्सन पूरे इंडिया में है ये पूछ ले कि सर इसका मतलब क्या होता है बेटा तो इसका मतलब वो पूछ रहा आपसे क्या कि कस्टम चार्ज क्यों हुआ क्लियर जल्दी बताना क्यों हुआ बेटा आवाज रही हो जल्दी बोलो टू

क्लियर कम कस्टम लगाएंगे बच्चों सर अच्छा कोई बहुत सारी गुड्स ऐसी हो सकती है जो इंडिया में बनती नहीं बेटा जो आउट ऑफ इंडिया में बनती बेटा वहां से आ रही है तो भी क्या कस्टम नहीं लगाएंगे क्या बेटा आप तो नहीं नहीं टू इक्वलाइज इक्वलाइज करने के लिए कुछ अब सर तो क्या इंडियन रोड यूज नहीं कर रहे वो लोग क्या इंडिया का मार्केट यूज नहीं करेंगे सर वो लोग क्लियर तो सर उन पर भी कस्टम लगाएंगे उस इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड कितना रेट है कितना इंडस्ट्री से आपको रेवेन्यू लेना है वो आइडियोलॉजी रखिए गवर्नमेंट कहती है कस्टम का रेट फिक्स करती है बच्चों यस एनो मैंने एक बेसिक फंडामेंटल बताया बेटा एकदम इसको लेके बेट में हाँ yes, okay, आइए सर अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं बेटा यहां तक समझ में आपको चलिए सर अब एक काम करते हैं सर आपका और हमारा जितने भी सर सी स्टूडेंट सर उनका प्रैक्टिकली कस्टम्स को लेके कभी कोई आर्टिकल टाइम पे

ठीक है सर तुम चलो मैं आया बेटा है ना सर हाँ मंगल मार्केट बेटा सर मंगल तो यही बनते है बेटा हाँ जी हाँ ए सी इम्पोर्ट है बेटा है ये तो क्या करना है ठंड लग रही है बेटा हाँ इधर इधर गर्मी लग रही है बेटा कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया हाँ बीच में Okay, बेटा नहीं नहीं 18 हाँ बेटा एटीन ऑलरेडी <laughs> सर मान लो ओके 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 सर 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 सर, सर। एक मिनट नजर दर अच्छा अगेन अगेन मैं चाहता हूं आप और हम सब इनवॉल्व होकर बात करें बेटा मस्त होके सर ओके सर पर ध्यान इधर बेटा ओके और आपको मेरे से बात करनी सर मजा आएगा सर जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर यू विल एंजॉय दिस पर सर ध्यान इधर होना चाहिए वी शुड नॉट डाइवर्ट सेल्फ टू अनदर पॉइंट बेटा मान लो कोई गुड्स आपको आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करनी है बेटा। क्लियर सर चलिए एक एग्जाम्पल देते बेटा सारे जहां से अच्छा Bunny, 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 yes. ओके 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 सर सारे जहाज से अच्छा देखो आपने को इंडिया से मतलब बेटा हमने इंडिया बनाया बाकी आपको किसी और कंट्री से मतलब आप देख सकते हो बेटा आप इधर ध्यान मान लो आपको आउट ऑफ इंडिया कोई से कोई गुड्स इंपोर्ट करना है बेटा मान लो इधर सिंगापुर है मान लो कहीं सर सिंगापुर वहां से कोई गुड्स आपको इंपोर्ट करना बेटा कहां से सर सिंगापुर अभी दिख रहा है बेटा आपको गुड हां तो पानी तो सब तरह उसके बेटा पानी एक्चुअली क्लियर और उसका आइलैंड टाइप भी बेटा वो जितना अपना मुंबई उतना सिंगापुर है और क्या एक्चुअली सर सर मान लो सिंगापुर से कोई गुड्स आपको इम्पोर्ट करना है बेटा अच्छा ये इसमें पता है आ, इसके बीच में ही पानी बेटा बीच में रिवर बहती बेटा पे क्लियर सो so, इसलिए हैं हाँ तो मैंने भी गया नहीं पर मेरे को पता है सर सुनना अब मान लो सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आएगा बेटा कैसे आएगा तैरता हुआ बेटा है ना सर अच्छा एक अच्छा मिनट वो वहां से फेंकेंगे उड़ता पंजाब और इधर आ है ना कैच कैच करेंगे अच्छा 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 वो आपने वो नहीं बोला बेटा वो अपने वो जेवलिन थ्रोर क्या नाम है उसका नीरज चोपड़ा कि वो उस पर गुड्स लगाएगा और ओके 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 तो सर या तो बाय वैसल आएगा बेटा शिप तो छोड़ा होता है बेटा बड़े जहाज को बोलते क्या वैसल क्लियर या फिर बाय एयरक्राफ्ट आएगा बेटा क्लियर अच्छा अगर अगर पास के कंट्री में बेटा तो बाय लैंड रूट भी आता है बेटा ये बाय रेलवे भी आता है बेटा बाय व्हीकल भी आता है बेटा अच्छा रेलवे आता है गुड्स आपने कभी देखा बेटा जैसे मुन्नी 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 बजरंगी भाई जान आया हाँ ना भाई वो याद है ट्रेन में बेटा <laughs> हाँ है ना भाई तो इस तरह से गुड्स भी सर वो याद है बेटा गुड्स वाली ट्रेन में चढ़ गई गलती से बेटा क्लियर तो सर गुड्स भी आता है बाय ट्रेन बाय सर वहीकल वगैरह ओके ओके सर नहीं अच्छे ही पढ़ा रहा हूँ बेटा ऐसे क्या कर रही है सर... <laughs> मैं अपने आपको ये था कि आपके ऑफिस होगा इसलिए जा रहे हो बेटा <laughs> तुम सर ढंग से दो मेरे को। ए, सर, लो। सर 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 मान लो या एयरक्राफ्ट या से गुड्स आ रहा है बेटा इंडिया में सर अब इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं अच्छा प्रोसेसर भली वेसल से है गुड्स या एयरक्राफ्ट से है, भाई लैंड कस्टमर्स मतलब बाय रोड आ रहा है बेटा सर मोरलेस सेम है बेटा क्लियर अभी इसमें एग्जाम्पल लेते किसे बाय वेसल आ रहा, रहा बेटा हाँ है ना बेटा तो ये आ रहा है कहां पे आएगा बेटा कहां पे आएगा बच्चे मतलब ऐसा तो नहीं ना कि पूरी बॉर्डर में कहीं भी, भी आ सकता है बच्चे ऐसा तो नहीं आंधो 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 ऐसा तो नहीं है सर इसीलिए सबसे पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप अपॉइंटमेंट ऑफ पोर्ट एयरपोर्ट एटसेट्रा बेटा हा ना भाई क्लियर ना। चलिए सर पोर्ट एयरपोर्ट सेक्शन नंबर सेवन दे रखा बेटा इसका कि सीबीएसई को पावर है वो क्या करेगा बेटा पोर्ट ओपन करेंगे एयरपोर्ट ओपन करेंगे लैंड कस्टम स्टेशन अपन करेंगे इंडियन कंट्रीन डिपो ओपन करेंगे बच्चा हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आएगा दे रहा है अब चलिए सर मान लो ये पोर्ट ओपन डॉके बेटा इंडिया में यहाँ पोर्ट ओपन क्लियर अब ये वैसल सकता है क्या बेटा यहाँ पे आ सकता है क्या यहां पे आ सकता है क्या बेटा है है बच्चे नहीं सर एक बना है, 29, है सर एक सेक्शन सेक्शन नंबर बोला हुआ पर्सन इन सी places. जो places जो हाँ बेटा क्लियर तो वो इमरजेंसी लैंडिंग कहीं भी, भी कर सकता है बेटा ऐसा तो नहीं ना बेटा एयरक्राफ्ट में आग लग रही बेटा नहीं एयरपोर्ट आंदोलो वही उतारूंगा बेटा मैं उतारने के लिए हम बचेंगे नहीं बेटा क्या उतरेगा बेटा हाँ ना भाई तो इमरजेंसी लैंडिंग कैन बी डन एनी इन इंडिया बट इमीजिएटली इंटीमेशन विल बी गिवन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या कस्टम ऑफिसर क्लियर कस्टम स्टेशन एंड सर जब तक उस वैसल या एयरक्राफ्ट से सारे सर जब तक कस्टम ऑफिसर नहीं आ जाता बेटा तब तक ही विल नॉट अलाउ अनलोडिंग ऑफ एनी ऑफ द गुड्स और डिस एम्बारकेशन ऑफ एनी ऑफ द पैसेंजर फ्रॉम दी वे ऑफ द और एयरक्राफ्ट अनलेस इट इज नेसेसरी फॉर टू देयर लाइफ बेटा जब तक ऑफिसर नहीं आता तब तक वो अनलोडिंग ऑफ द गुड्स दिस एम्बारकेशन ऑफ पैसेंजर अलाउ नहीं करेगा बेटा

सिंगापुर से यहाँ पे गुड्स लेके आया बेटा अब क्या करना बेटा अनलोड करेगा चला जाएगा है ना जो आए मर जाए गुड्स जाए और चला जाए है ना बेटा? ऐसा? चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ बेटा मान लो जब वो सिंगापुर से निकला था बेटा तब तब उसके पास वन लेख यूनिट्स थी बेटा कितनी बेटा समझना बात को ध्यान से बेटा

मेरे पास तो फोर्टी थाउजेंड यूनिट ही थे बेटा बेटा और ये क्लियर सर अब मुझे बताओ आप कस्टम ऑफिसर जो इंडिया का है बेटा उसको क्या पता पड़ेगा कि सिंगापुर से कितने गुड्स लेकर निकला था बेटा आप समझ देखो जब तक आप अपने आप को उस शूज में नहीं प्लेस करेंगे बेटा तब तक आप सोच नहीं पाएंगे मैं चाहता हूं आप सोचिए मैं नहीं चाहता कि मैं बता दूं और आप याद कर ले बेटा क्लियर सर बात करो मस्त हो गया सर और सोचिए सर उसके अंदर कि क्या होना चाहिए सर वहां से जब सिंगापुर से निकला होगा सर वहां से जितनी यूनिट्स लेके निकला होगा वहां के ऑफिसर ने चेक किया होगा कि इतनी यूनिट से और वहां से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारे यहां से एक लाख यूनिट निकली साहब अब तुम देख लेना आगे जाके yes, हा है ना भाई yes, तो यस yes, उसको बोलते हैं क्या सर एक डॉक्यूमेंट होता है सर क्लियर उसको बोलते नहीं आप मत बोलिए बेटा सर जब यहाँ पे आएगा बेटा नहीं अभी गलत क्यों बोला बेटा आप लोग सर आप एक आइडिया लीजिए एक डॉक्यूमेंट होता है नाम मैं बता दूंगा आपको कोई दिक्कत नहीं बेटा तो सर वहां से जब निकला होगा एक डॉक्यूमेंट वहां के कस्टम ऑफिसर ने सर ऑथराइज करके दिया होगा बेटा हाँ है ना भाई सर वो डॉक्यूमेंट यहां रिपोर्ट इज कॉल्ड इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट क्या बोलते सर उसको आई क्या बोलते बेटा इसको इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आईजीएम बेटा क्लियर तो सर पर्सन चार्ज ऑफ फाइलिंग ऑफ आईजीएम इनफैक्ट ऑनलाइन या एयरक्राफ्ट ही करना पड़ता है क्या सर आईजीएम बेटा अच्छा पर केस के में किसके के बेटा इन चार्ज कौन होता बेटा सा कैप्टन है बेटा अब ड्राइवर जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बेटा यार

मुंबई आ रहा मुंबई से हो जाता गोवा जा रहा बेटा वो हो होता मुंबई से दुबई जा रहा हो बेटा आगे जरूर थोड़ा तो सारा गुड्स इंडिया के लिए हो यार क्लियर इसलिए आईजीएम विल कंटेन पूरा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पूरा वन लाइक यूनिट बेटा ताकि एक भी गुड्स इलिगली यहाँ पे स्मगलिंग के थ्रू आ नहीं जाए इंडिया के अंदर बच्चों हा है ना भाई अच्छा पता है यही डॉक्यूमेंट को जब सिंगापुर से निकला होगा ना बेटा इसको बोलते ईजीएम क्या बोलते सर एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या फिर एक्सपोर्ट रिपोर्ट वाइकल बेटा तो वहां के लिए ईजीएम हमारे लिए क्या है

वैसल एयरक्राफ्ट आ गया आईजीएम फाइल हो गया आप क्या होगा सही बोल रहे हो आप डायरेक्ट अनलोड बेटा ऑफिसर चेक नहीं करेगा बेटा इसको आईजीएम फाइल करने का पर्पस क्या बच्चे क्लियर चेक तो करना पड़ेगा ना सर तो वेरिफिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर बेटा हाँ है ना भाई मतलब कस्टम का वो ऑफिसर जो उस काम के लिए अपॉइंट किया गया उसको बोलते क्या प्रॉपर ऑफिसर बच्चों हाँ है ना भाई ओके okay, उसने वेरीफाई किया इनफेक्ट अलग से सेक्शन बनाया ही इज़ द पावर टू बोर्ड मतलब सर वैसल पे चढ़ के देखेगा बेटा ऐसा नहीं पावर टू बोर्ड पावर टू द क्वेश्चन एंड रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कैप्टन बेटा और पर्सन इचार्ज को सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा जवाब देने पड़ेंगे ऐसा नहीं है मेरे वैसे पर खड़े मेरे से ही पूछ रहेगा मेरे पावर है <laughs> समझा मेरी बात द पावर टू आस्क द क्वेश्चन रिक्वायर प्रोडक्शन किया okay. वेरीफाई कर लिया okay. अब क्या होगा बेटा अनलोडिंग बेटा वो कस्टमर सर वेरिफिकेशन रिपोर्ट साइड में रखेगा और गुड्स उठाएगा और अनलोड करने लग जाएगा है ना बेटा ऐसा वो खुद ही अनलोड करेगा क्या सर तो अनलोडिंग की एजेंसी अलग होती बेटा याद है आपने देखी होगी बड़े बड़े कंटर आते बेटा बाहर से कोई खुला घूस नहीं आ रहा है तो कंटर को उठाने के लिए क्रेन वगैरह होती बेटा अनलोडिंग की एजेंसी होती बेटा अलग अलग है हाँ ना भाई जो बेटा याद आया बेटा साउथ की मूवीज में देखा होता बेटा अक्सर देखा होगा बेटा आपने ये क्लियर सर अभी क्या हो रहा है बेटा सर अनलोड हो गया बेटा सर ओ भाई वेरिफिकेशन क्या उसने वो ऑर्डर पास करेगा क्या करेगा बेटा

क्लियर अनलोडिंग ऑर्डर मिला अब वो अनलोडिंग एजेंसी जो है वो उसको दिखाएगा कि ये सब गुड्स अनलोड करनी है जो गुड्स के लिए ऑर्डर मिला वही गुड्स क्या होगी बेटा अब अब जाके अनलोड हो रही बेटा आप तो शुरुआत में अनलोड कर रहे थे बेटा क्लियर जा अब जाके अनलोडिंग हुआ बेटा हाँ जी अब गुड्स अनलोड हो गया अब क्या होगा बेटा अरे भाई सिंगापुर से गुड्स आ गया वेसल एयरक्राफ्ट से गुड्स आ गया एंट्री इनवर्ट मिल गया अनलोड हो गया अब सर कस्टम हो जाए बेटा मतलब जो इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट करी होगी बेटा वो पहले से आप खड़ा होगा बेटा है ना वो कस्टम पे कस्टम किनारे लड़का के बैठा होगा सर मेरे वेसल आएंगे मेरे वे गुड्स आएंगे करण अर्जुन आएंगे ऐसा वो पहले से बैठा होगा सर जैसे कंटर हा आला कंटर है ऐसा ऐसा नहीं तो सर सुनो बच्चों भाई जब तक कि इंपोर्टर या उसका एजेंट नहीं आता कस्टम क्लियर डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करता असेसमेंट नहीं होता है कस्टम जब तक पे नहीं करेगा मैंने बात किया पे पे फर्स्ट क्लियर लेटर आपको तब तक गुड्स क्लियर नहीं हो पाएंगे बच्चों क्लियर तो तब तक गुड्स क्या होगा बेटा वही लावर इस पढ़े रहेंगे बेटा है ना वही लावर इस पढ़े रहेंगे बेटा नहीं क्लियर सर एक तो वेयर हाउस नहीं होता है कस्टम के अंदर बेटा

कौन फाइल कर गया बेटा आवाज यारे इंपोर्टर या उसका एजेंट फाइल करेगा बेटा सीएच है, है बेटा हा ना भाई सर देखना ध्यान से अलोंग विथ मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स

डिडोमिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी बेटा क्या होता सर डिडोनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी बेटा कस्टम का अमाउंट निकाल दिया बेटा क्लियर अब क्या होगा बेटा अरे कस्टम का अमाउंट निकल गया बेटा अब क्या होगा पे करो ना भाई क्लियर पेमेंट ऑफ प्लस अगर लेट हो गए तो इंटरेस्ट कोई ऑफेंस है तो पेनल्टी बेटा हाँ ना बेटा yes. अगर है तो बेटा प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी आगे लिखूंगा इफ एनी बेटा हा ना बेटा हाँ साहब पे कर दिया अब क्या होगा बेटा अरे पे कर दिया भाई कस्टम पे हो गया क्लियर गुड्स का है बेटा अभी और ये असेसमेंट करने वाला ऑफिसर अलग होता है बेटा इसमें भी फेसलेस असेसमेंट हो गया कस्टम में बेटा असेसिंग ऑफिसर कहीं और ही बैठा है बेटा क्लियर और कस्टोडियन तो एक्चुअल रिपोर्ट में बैठा क्लियर तो फेसलेस असेसमेंट वाले ने असेसमेंट कर लिया आपने कस्टम पे कर दिया वो कस्टडियन को क्या पता बेटा इसलिए सर ये ऑर्डर पास करेंगे क्या करेंगे बेटा उस ऑर्डर का नाम होता है आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर कौन पास करेगा बेटा वो असिस्टिंग ऑफिसर पास करेगा कि हां साहब इसका कस्टम वगैरह सब आ गया है अब ये गुड्स ले जाएगा बेटा ये गुड्स ये ऑर्डर लेके कहां जाएगा बेटा वो ये ऑर्डर लेके कहां जाएगा साहब कस्टम के पास क्लियर कस्टमर दिखाएगा साहब मैंने कस्टम पे कर दिया मेरी इन गुड्स के लिए सर कस्टम क्लियरेंस का ऑर्डर पास हो गया सर उसके बाद वो क्या करेगा बेटा गुड्स अलाउ करेगा फॉर रिमूवल रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर होम कंजम्पशन क्या बोलते सर इसको होम कंजम्पशन आवाज नहीं आ रही हुई yes. क्या बोलते है मालिक होम कंजम्पशन क्लियर सर होम कंजम्पशन मतलब ये नहीं घर जाके खा गए बेटा क्लियर सर इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स थोड़े तो थोड़े देर में एक तो बेटा पकाना ही पड़ता ना मेरे को भी यार ऐसा अंदर से आवाज आ रही बेटा इसलिए इस बिल ऑफ एंट्री 4 होम कंजम्पशन इस बिल ऑफ एंट्री को भी क्या बोलते बेटा बिल ऑफ एंट्री 4 होम कंजम्पशन हां है ना भाई आवाज नहीं आ रही ओए क्लियर और गुड्स अल्टीमेटली रिमूव हो जाएगी फॉर होम कंजम्पशन फिर क्या होगा बेटा फिर ले जाओ क्लियर फिर चले जाना बेटा हाँ ना है ना बेटा टाटा बाय बाय सी हो जाएगा बच्चों इस केस में यस या ये नो बेटा डन yes उसको तुम्हारी तो इच्छा हो करो ना हमको क्या करना बेटा क्लियर तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन का सिस्टम आपको समझ में आ गया चलिए सर एक चीज और दिल में एक बात दिल में हो रही बेटा मान लो कोई गुड्स आपने इंपोर्ट कर ली बेटा अभी थोड़ा टाइम आपको नहीं चाहिए बेटा आ गई कस्टम बोर्ड पर आ गई बेटा। अभी थोड़ा टाइम के लिए आपको नहीं चाहिए तो क्या करने का बेटा रहने दो बेटा कस्टम है बेटा अपने अपॉइंटेड ऑफिसर बेटा है ना अपने तो बेटा इनकी सैलरी अपने पैसे से निकलती बेटा रखेंगे अपने गुड्स का ध्यान बेटा है ना सर अनलोडिंग के तीस दिन के अंदर क्या बोला सर अगर कोई नहीं आया ना बेटा तो बाद में आना भी मत बेटा क्लियर समझे मेरी बात गुड्स आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन वो गुड्स को बेच के पैसा रिकवरी कर बेटा ऑप्शन कर देंगे बेटा समझे क्लियर तो अब क्या करें बेटा अब मान लो किसी कारण से क्या बोला सर आपको गुड्स यही पर बाद में चाहिए अभी नहीं चाहिए बेटा तो क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल है यस yes. सर कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउस का ऑप्शन है सर किसका ऑप्शन है बेटा अब देखना अगर आपको गुड्स को क्लियर नहीं कराना फॉर होम कंजुम्पन आपको कस्टम बन में गुड्स को स्टोर कराना तो सिस्टम क्या है बच्चों सर आपने क्या किया बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स इसका आपने क्या कराया बेटा वेयर बच्चों हाँ है ना भाई अब उसका सिस्टम देख रहे बेटा उसका सिस्टम समझ रहे कि आखिर क्या सिस्टम होता है बच्चों सबसे पहली बात ए होशारी देखिए यार तुम वेयर हाउस में रखवाओ या क्लियर कराओ फॉर होम कंजम्पशन ध्यान से देखना बेटा पॉइंट नंबर वन टू सेवन तो आपका रोल ही नहीं बेटा कोई आपका रोल शुरू कहां से हो रहा बेटा पॉइंट नंबर एट से बेटा भाई आप आएंगे बिलो फेंट्री फाइल करेंगे आपका रोल तो आप चालू हुआ ना यार इसलिए इसलिएउस में रखाओ या होम कन्व कराओ प्रोसीजर वन टू सेवन द पोर्ट हुआ बेटा अराइवल दी वेसल हुआ बेटा। उसने सर वेरिफिकेशन हुआ एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर पास हुआ अनलोडिंग हुआ अनलोडिंग के बाद गुड्स आ गया बेटा अभी गुड्स का बेटा अभी गुड्स का मालिक कैस्ट के पास अब अब आप आएंगे बेटा और बोलेंगे क्या मेरे को गुट तो कहा रखा बेटा वेयर हाउस में अरे हाँ ना क्लियर तो बोलने के इच्छा क्या होता है क्लियर तो आप क्या करेंगे बेटा बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे क्या फाइल करेंगे बेटा ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग सर वो लास्ट वाली बिल ऑफ एंट्री किसकी थी बेटा बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इसको बोलते क्या बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग

क्लियर सर आप मुझे बताओ आपने बिलो ट्वेंटी फोर वेयर हाउसिंग फाइल करी कस्टम बोन वेयर हाउस में गुड्स जाएगा बेटा नजर इधर नजर इधर सर सर जल्दी बोलो टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ क्यों चार्ज हुआ बस बोलना एक बार टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ आप मुझे बताओ क्या ये गुड्स अभी डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट हो रही है क्या सर Hey. क्या है गुड्स अभी डोमेस्टिक मार्केट में जा रहा है क्या बेटा hey. क्या आज कंप्लीट कर रहा है क्या hey. कब कंप्लीट करेगा hey. जब वेयरहाउस से निकलेगा फॉर होम कंजम्पशन तब कंप्लीट करेगा बेटा yes. क्या आज इक्वलाइज करना है क्या hey. कब करेंगे hey. तो क्या अभी कस्टम पे करना है क्या hey. Hey. नहीं स्टिल द गुड्स आर अंडर कस्टम कंट्रोल सो नो वे नो नीड टू पे एनी कस्टम ड्यूटी एट द टाइम ऑफ वेयरहाउसिंग द गुड्स बेटा बोलो यस सर yes, इसको याद करना पड़ेगा क्या सर क्लियर कस्टम पे नहीं है पर सर जब आप गुड्स को निकालोगे वेयर हाउस से फॉर होम कंजम्पशन उस टाइम पे अगर आपने कोई बदमाशी करी तो बेटा तो गवर्नमेंट को एक सिक्योरिटी तो चाहिए ना बेटा अपने पास यार कि यार हमारा ड्यूटी आप डेफरमेंट कर रहे हो कोई बात नहीं साहब पर हमको कोई सिक्योरिटी तो चाहिए बेटा इसलिए जब आप वेयर हाउसिंग करवाते हो बेटा आपसे डिपार्टमेंट क्या करता है बेटा एक बॉन्ड साइन कराता क्या करता बेटा

दस लाख की ड्यूटी तीस लाख का कस्टम पे कस्टम का आपने बोन साइन किया बेटा तई कल को सर पेनल्टी वगैरह लग रही कुछ भी लग रही तो उससे रिकवरी हो पाए बच्चों हाँ ना भाई कितना अमाउंट का बोन बेटा बा, एक बार बोलना बेटा थ्राइज ड्यूटी का बोन्ड केवल ये द अमाउंट ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ ड्यूटी निकालना पड़ेगा सर भले वेयर भली भेराव रखा फिर भी अमाउंट ऑफ ड्यूटी कौन निकालेगा ऐसे जी खुद

हो 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 जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा जाएगा yes no? yes क्या 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 बेटा 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 आवाज़ नहीं आ रही सर का का निकल निकल बच्चों या अब गया होगा करना 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 है, क्या क्या करना है, bond sign करना है <coughs> अच्छा बॉन्ड साइन किया अंडरटेकिंग दी बेटा साथ में सिक्योरिटी या श्योरिटी जो भी डिपार्टमेंट मांगेगा उतना देना पड़ेगा बेटा आपको क्लियर बैंक गारंटी या श्योरिटी गारंटर होता ना बेटा

ऑर्डर हाँ, पास होगा वेरी गुड बेटा क्या पास होगा बेटा yeah. किसके लिए बेटा परमिशन के लिए किसके परमिशन के लिए बेटा परमिशन फॉर जल्दी मत बोला कर सोच के बोला कर तकलीफ मेरे को नहीं तेरे को हो जाएगी लास्ट में परमिशन फॉर उसिंग परमिशन फॉर कस्टमर क्या बेटा कस्टमर तो ऑलरेडी गुड्स पड़ा है परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग हाई ना मालिक क्लियर गुड्स का जा रहा है बेटा अभी में तो वो ऑर्डर पास करेगा ना बेटा यार कि यस इसके गुड्स अभी वेयर हाउस में जा सकते हैं हमने वेर हाउसिंग भाई तो ऑर्डर परमिटिंग ऑफ द गुड्स आपको ऑर्डर मिल जाएगा ये ऑर्डर लेके कहा जाएंगे बेटा आप गुड्स का है अभी क्लियर वहां जाएंगे वहां बताएंगे मेरे को परमिशन मिली बेटा क्लियर फिर वो अलाउ करेगा क्या ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर वेयर हाउसिंग क्लियर अब क्या होगा बेटा आपने वहां से रिमूव कर दिया आपका जाएंगे बेटा कस्टम बॉन्डेड वेर हाउस जाएंगे बेटा कौन सा वेरहाउस कस्टम बॉन्डेड वेर हाउस बेटा उसके भी लाइसेंस ही होते बेटा अपॉइंटेड वेयर हाउस के लिए क्लियर बॉन्डेड वेर हाउस के लिए लाइसेंस ही होते बेटा इनको लाइसेंस दिए होते बेटा क्लियर और वो उन्हीं गुड्स का वेर हाउसिंग अलाउ करेंगे जिसको परमिशन मिली बेटा हाँ है ना भाई ये परमिशन देखेंगे उसके बाद क्या करेंगे बेटा वो वेयर हाउसिंग अलाउ कर देंगे बेटा अब गुड्स का क्या हो गया बेटा आवाज आ रही हो अब अपने गुड्स कहा रख दिए बेटा अब अब बेटा वहीं पे चदर बिछा के सो जाएंगे बेटा है ना गुड्स का वेरा सिंह आपका थोड़ा हुआ बेटा अब क्या होगा आपको एक्नोलॉजमेंट देगा कि इतने गुड्स में को आए बेटा निकलो अरे हाँ है ना भाई तीन कॉपी में मिलता है एक्नोलॉजमेंट बेटा एक कॉपी तो आपको देगा बेटा एक उस कस्टम्स

क्लियर सर चलिए सर अब गुड्स वेर हाउस में बेटा अब क्या होगा बेटा अब कुछ टाइम बाद गुड्स नहीं चाहिए बेटा आपको आवाज ये ना रिमूवल फ्रॉम वेहर हाउस अरे रिमूवल फ्रॉम वेर हाउस व्हाट वोट आवाज नहीं आ रही सर रिमूवल फ्रॉम वेर हाउस फोर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेर हाउस एक मिनट मतलब अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया कस्टम में रखवाया कस्टम तो पे ही नहीं किया तो होना चाहिए आवाज यही नुकसान है क्या सर उसके अंदर ठीक है ना चाइना से गुड्स इंपोर्ट किया जापान वालों को बेच दे बेटा क्या तकलीफ है बेटा अच्छा सुन हो सारी लास्ट में सर 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 आपने गुड्स को इंपोर्ट किया कस्टम और में और वेयरहाउस में रखवाया और वहीं से क्या कर दिया बेटा एक्सपोर्ट क्या कस्टम लगना चाहिए बेटा आपने अब तक कस्टम पे नहीं किया बेटा आपने अब तक वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन किया बच्चे आपने अब तक कस्टम पे नहीं किया आपने अब तक क्या पे, क्या किया बेटा वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन किया है आप मुझे बताओ क्या आपको अभी कस्टम पे करना है क्या एक मिनट नजर इधर बेटा सबकी आवाज नहीं आ रही ओए

अगर यही आपका पर्पज होता क्या कस्टम चार्ज क्यों हुआ इंपोर्ट को कम करने के लिए इंपोर्ट को डीमोटिवेट करने के लिए सर तो आप क्या करते बेटा ये इसको याद करता जिंदगी भर बेटा कि लॉ में लिखा है इसलिए हम कस्टम पे नहीं कर रहे बाकी गुड्स तो इंपोर्ट हुआ था ना सर क्लियर सर चीजों को पता है एक हल्का सा माइनर फर्क होता है सर एक समझने में और एक याद करने में सर समझे प्यार और फ्लड में जो फर्क होता है वही यहां पे होता है बेटा सर प्यार कभी भूलते नहीं बेटा आप हा ना भाई अरे ऐसे नो आप खुद बताओ बेटा उज्ज्वल काक हो गया बेटा <laughs> सर प्यार सोच रहा बेटा ये हाँ इधर इधर सर इधर ओह सॉरी रिमूव ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस फोर एक्सपोर्ट हो गया ना बेटा रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस नाउ फोर आवाज नहीं आ रही हुई अनादर वेयर हाउस बेटा होस्ट तर चेन्नई वेयर हाउस निकाल के मुंबई वेयर हाउस लगा रहे बेटा गुड्स आप पर वेयर कौन सा अपना घर वाला नहीं बेटा कस्टम ऑनड वेयर हाउस क्या कस्टम पे करना है आवाज आ रही हो कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि आपको पता है क्या कस्टम चार्ज क्यों हुआ डोमेस्टिक मार्केट में नहीं जा रहा बेटा अब रिमूव ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस फोर बस लास्ट एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देना बेटा मजा आने वाला आपको बेटा एक सेकंड है ना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बेटा पूरा इधर

बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन फाइल करेंगे बेटा क्लियर दिल थाम के मेरे को आंसर देना जल्द मत करना बस अब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी बेटा अब क्या होगा रे कस्टम का अमाउंट निकलेगा वो पे हाँ कस्टम का अमाउंट तो निकल चुका ऑलरेडी बेटा क्लियर वो पे करेंगे बेटा चलिए एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया बेटा दिल में आया पूछ लो आपसे बेटा मान लो जब आपने ओरिजिनली बिल ऑफ एंट्री फॉर वेर हाउसिंग फाइल करी थी बेटा सर जब आपने ओरिजिनली बिल ऑफ एंट्री फॉर वेर हाउसिंग फाइल करी थी तब रेट था मान लो कस्टम कितना बेटा टेन परसेंट कितना था बेटा और जब आप ये वेरहॉसिंग से निकाल के होम कंजम्पशन के लिए ले आ रहे हो बेटा तब मान लो रेट हो गया कितना बेटा 20 या चलो 5 हो गया चलो बस अपन हायर लोअर की बात नहीं कर ले बेटा रेट चेंज हो गया कुल मिलाकर पहली बात तो ये चले एक बार 5 को छोड़ बेटा है ना एक बार पहले एक चीज को समझते बेटा 20 हो गया मान लो इधर नजर इधर बेटा मैं चाहता तो आंसर आप दे बेटा टू इक्वलाइज किस दिन इक्वलाइज जब डोमेस्टिक मार्केट से कंपीट करेगा डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा सर जब होम कंज्यूमशन जाएगा बेटा होम कंज्यूमशन के लिए कब जा रहा है आज या उस दिन आज, आज इक्वालाइज करेंगे उस दिन करना था बेटा अब सर सोचो आप ध्यान से पहले गुड्स रेट था टेन परसेंट अभी रेट बढ़ा के गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है क्यों होगा आ, पहले भी तो गईज करना था सर हो सकता है हो सकता है हिंदुस्तान मार्केट में महंगाई बढ़ गई बेटा जो गुड्स पहले इंडिया में थाउजेंड बन रहा था बेटा अब वही ट्वेल्व बन रहा है बेटा अब वो डोमेस्टिक मार्केट में ट्वेल हंड्रेड में बन रहा है और पर इंपोर्टेड गुड्स पहले में रहा था अभी भी आठ सौ में रहा है बेटा हमने पहले टू हंड्रेड कस्टम लगा था क्यों ताकि डोमेस्टिक गुड्स की वैल्यू थाउजें थी उसके इक्वाला बचा अब डोमेस्टिक गुड्स की वैल्यू कितनी बढ़ गई बेटा ट्वेल हंड्रेड हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ गई बेटा अब आप मुझे बताओ इंपोर्टेड गुड्स पर अगर रेट टू हंड्रेड ही लगाएंगे बेटा तो क्या इक्वलाइज हो पाएगा बेटा कस्टम चार्ज क्यों हुआ तो इक्वलाइज कब करना इक्वलाइज आज जब डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कर रहा है तो आज अगर इक्वलाइज करना तो आज की रेट से इक्वलाइज करूंगा ना बच्चे मैं यार तो आज की रेट कितनी बेटा 20 तो 20 से इक्वलाइज़ होगा बच्चों हाँ है ना भाई इसलिए आ हा 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 मजा आया सर क्या होगा बेटा yes. अच्छा सुन 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 ए होशरी मैं तो कह रहा हूं 5% हो गया बेटा कितना हो गया बेटा 5. 5 अब कितना लगाएंगे बताओ पैसे था 10 अब कितना है 5, 5. या मैं तो कह रहा हूं एग्जैम हो गया चलो सर और जब एग्जैम तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया एग्जम्शन का आप गुड्स लेने पहुंच गए बेटा अब बताओ कितना कस्टम लगेगा बेटा आवाज नहीं आ रही हुई? नहीं लगेगा क्यों आप मुझे बताओ कस्टम चार्ज क्यों हुआ ने किस दिन इक्वलाइज़ बेटा डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करना बेटा और आज अगर गवर्नमेंट ने एग्जाम किया गुड्स को इसका मतलब क्या बेटा गवर्नमेंट डोंट वांट टू चार्ज कस्टमर दीज गुड्स बेटा हो सकता है हिंदुस्तान में महंगाई कम होगी बेटा या हो याहोस्ता किसी और कारण से वो गुड़ सभी इस तीन एसेंशियल है कि इंडिया में जरूरत है उस गुड़ की बेटा शक्कर खराब हो गई हिंदुस्तान की सारी बेटा हिंदुस्तान की सारी शक्कर खराब हो गई इंपोर्ट करो उसको जितना कम कस्टम उतना कम लगाओ पर गुड्स फटाफट लाओ बेटा इंडिया के अंदर है हाँ ना तो आज एक्वलाइज करना नमित है मेरे को तो आज अगर एग्जम तो एग्जमशन तो मिलना चाहिए मिलना चाहिए बेटा

एग्जाम डे में प्रेशर होता है बेटा वहां फिर गलत करके आते है बेटा कितना याद कर लेंगे बच्चों अभी आपको याद ही नहीं करना है अच्छा याद नहीं करना सर हां रीअसेसमेंट होगा क्या होगा सर सुनना मान लो मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया वन सी आर में बेटा कितने में इंपोर्ट किया बेटा मैंने इंपोर्ट किया मैंने बेटा वेयर हाउस में रखवा दिया बेटा कहा रखवाया बेटा और ये गुड्स मैंने कार्तिक भाई को बेच दिया टू करोड़ में बेटा कितने में बेटा टू करोड़ में गुड्स कहा बेटा तो गुड्स के मालिक कौन कार्तिक गुड्स का कस्टम क्लीयरेंस कौन कराएगा कार्तिक जब भी गुड्स का कस्टम क्लीयरेंस कराएगा तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कस्टम कि कितना पे लगेगा वन सी या टू सी अच्छा एक मिनट कस्टम तो? कौन से ट्रांजेक्शन में लगता है बेटा बताना तो वापस बोलना कस्टम्स कौन से ट्रांजेक्शन में लगता है साहब इंपोर्ट में लगता है साहब इंपोर्ट कितने में हुआ सर बात खत्म बेटा वो बात अलग है कि कस्टम पे करने का हमने टाइम डेफर कर दिया क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा तब कस्टम पे करेंगे क्या इंपोर्ट इसने किया है क्या इंपोर्ट तो मैंने ही किया था सर इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन पे कस्टम लगाना है सर अरे हा है भाई और आपको पता वैल्यूशन में पढ़ रखा बेटा याद है जीएसटी बेटा कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगता है बेटा याद है मैंने उसने बताया था जिस ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाना है वो ट्रांजेक्शन जितने में हुआ है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुड्स हा है बच्चे क्लियर ट्रांजेक्शन कौन सा था बेटा इंपोर्ट का वन सीआर का क्लियर इसलिए जब वहराव से निकलेगा गुड्स क्या बोला सर तब रीअसमेंट होगा तो सही बेटा बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी नॉट वैल्यू हा ना भाई री होगा बट इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी री वैल्यूशन नहीं होगा बट वैल्यू तो जिस वैल्यू पे आपने बिलो फी फाइल करी थी ओरिजिन दिया है बेटा आपको ये ओरिजिनल मैंने बिलो फेंटी फाइल करी होगी तब उसमें वैल्यू लिखा होगा बेटा मैंने

सर आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर अभी गुड्स क्या बेटा अभी कस्टम बेटा आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर पास हो गया अब क्या होगा बेटा अरे अगर मान लो सारे गुड्स आपने क्लियर कर दिया क्या कर दिया बेटा तो जो आपने वेर हाउसिंग बॉन्ड फाइनली बताया था, था बेटा आपको कैंसिल करो ना भाई क्लियर अगर सारे गुड्स मूव हो गए बेटा अच्छा जरूरी नहीं कि सारे गुड्स एक साथ रिमूव तो करें बेटा

Of goods for, फिर क्या होगा बेटा ले जाओ गुड्स को फिर चले जाना फिर जो इच्छा हो वो करना बेटा और भारत माता की जय क्लियर अच्छा एक बात ये जब बिल ऑफ एट्री फाइल कर बेटा बट अपना ओरिजिनली बेटा सिंस इस बिल ऑफ एंट्री की वजह से आप बोन्ड मारते बेटा याद है बेटा इसलिए इस, इस बिल ऑफ एंट्री को बोलते हैं क्या इनटू बोन्ड क्या बोलते सर इसको

अभी आपको कस्टम साउंड सिस्टम बेटा yes, सुनो एक बात और एक लास्ट बात एक लास्ट बात एक लास्ट क्वेश्चन आपसे बेटा मान लो मान लो आपने गुड्स का कस्टम करा दिया। क्या कर बेटा आपने भले ही वेयर हाउस में रखा था फिर क्लियर कराया या डायरेक्ट क्लियर करा दिया बेटा कस्टम पे कर दिया हो शरी, क्या पे कर दिया बेटा आपने गुड्स को रिमूव कर दिया बेटा कस्टम पे कर दिया अब उन गुड्स का वापस से एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ गया बेटा और वो गुड्स आपने वापस एक्सपोर्ट कर दी बेटा तो वो जो कस्टम पे हुआ था बेटा वो मिलना चाहिए क्या बेटा यार उसका रिफंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बेटा दैट रिफंड इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक क्लियर भारत माता की जय आई होप सिस्टम पूरा क्लियर है बेटा आपको ये हाँ है ना भाई थैंक यू सो मच सर मिलते हैं कल सर पर प्लीज सर आप ओ शरी सर आप, आप आपके इन पर सर जो हमने पढ़ाया वादक पढ़ के ना पर कस्टम्स बुक से भी पढ़ के आने की जरूरत नहीं है हम कल शुरू करेंगे वॉल्यूम थ्री से बेटा क्लियर थैंक यू सो मच ऑल दी बेस्ट माहौल बनाइए पढ़ के ये हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर डे थैंक यू सो मच सर माहौल और जो वीडियो क्लास में प्लीज अ क्लिक ऑफ स्लाइड सर पढ़ के ये बेटा पर यहाँ तक जो मैंने आज पढ़ा है कस्टम का कॉन्सेप्ट वो आपके रिवाइज होना चाहिए बेटा माहौल जबरदस्त शानदार ऑल दी बेस्ट पढ़ के आइए माहौल बनाइए सर बाय